कार्य समिति के सभी सदस्य चाहते थे कि जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं काफी समय से कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन ये जब चर्चा काफी सीमा तक हो चुकी तो कांग्रेस अध्यक्ष ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन तमाम सदस्यों ने एक बात कही, कांग्रेस में हमेशा से यह पता होता है कि सरकार बनने पर उसका नेता कौन है, तो इस पर चर्चा या नाम की घोषणा करने का क्या अर्थ है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पिछली बार घोषित किया गया था तो वो 5 साल प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो पार्टी ने कहा कि वही प्रधानमंत्री रहेंगे। ये इस तरह से अलग नाम की कोई घोषणा नहीं थी जो की गई हो। बहरहाल सारी चर्चा के बाद एक आम सहमति बनी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषित किया कि जो अगला चुनाव अभियान है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा, तो एक तरह से भविष्य का नेतृत्व उनके पास है, उसमें सरकार की बात की तो चर्चा की आवश्यकता है नहीं। उस सहमति के आधार पर यह तय हुआ, जो कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें स्वीकार किया जाएगा, लेकिन चूंकि आज कार्य समिति में वो चर्चा हुई है इसलिए मैं वो एक वाक्य आपको बता रहा हूं जो निष्कर्ष रूप में हमारे प्रस्ताव का हिस्सा कल होने जा रहा है। दिस मीटिंग ऑफ द AICC डिक्लेयर्स दैट 2014 इलेक्शन कैंपेन विल बी लेड बाय श्री राहुल गांधी।